हाय, वेलकम टू ADF स्टूडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गारमेंट शॉप इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में, जो कि डिज़ाइन किया गया है 20 फीट बाय 20 फीट के एरिया में। चलिए इसका कंप्लीट इंटीरियर वॉक थ्रू देख लेते हैं। यह इसका फ्रंट है। फ्रंट पर इसमें कंप्लीट टफन ग्लास मिल जाता है एंड इसमें टू साइड से एंट्री मिल जाती है। यह इसकी राइट साइड एंट्री है। जैसे कि आप इसका डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैक्सिमम डिस्प्ले का डिज़ाइन किया गया है एंड एंट्री करते ही राइट साइड में डिस्प्ले यूनिट मिल जाती है, जिसके लोअर पोर्शन में क्लॉथ स्टोरेज मिल जाती है एंड इसके अपर पोर्शन पर हैंगिंग डिस्प्ले मिल जाती है एंड इसके अपर पोर्शन पर शेल्फ डिस्प्ले डिज़ाइन की गई है। सभी शेल्फ डिस्प्ले के नीचे प्रोफाइल लाइट डिज़ाइन की गई है एंड यहाँ पर हमें ट्रायल रूम मिल जाता है, जिसके डोर पर मिरर मिल जाता है एंड यहाँ पर हमें बिलिंग काउंटर मिल जाता है। इसका डिज़ाइन आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बैक साइड में भी डिस्प्ले रैक डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि MS फ्रेमिंग एंड वुडन शेल्फ में डिज़ाइन किए गए हैं। एंड यह इसकी सेंट्रल डिस्प्ले हैंगिंग यूनिट है एंड यहाँ पर हमें डिस्प्ले टेबल डिज़ाइन मिल जाता है। यह डिस्प्ले MS पाइप में डिज़ाइन की गई है, जिस पर वाइट डीको किया गया है एंड यहाँ पर अनदर टेबल डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके लोअर पोर्शन पर मैक्सिमम स्टोरेज मिल जाती है। जैसे कि आप सभी डिस्प्ले का डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं, सभी डिस्प्ले वाइट एंड वुडन में डिज़ाइन की गई है। इसमें MS पाइप पर वाइट डीको किया गया है एंड सभी शेल्फ को पाइन वुड में डिज़ाइन किया गया है, जिस पर फिनिशिंग के लिए मेलामाइन पॉलिश की गई है। इसके सीलिंग को प्लेन रखा गया है, जिस पर हमें पैनल लाइट मिल जाती है एंड कुछ डिस्प्लो के लिए फोकस लाइट मिल जाती है। एंड यह इसके फ्लोरिंग का डिज़ाइन है, जिस पर हमें ग्रे टेक्सचर्ड टाइल मिल जाती हैं। जैसे कि आप इसका कंप्लीट व्यू यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यह गारमेंट शॉप इंटीरियर डिज़ाइन कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मगर आप भी अपने गारमेंट या क्लॉथ शॉप का इंटीरियर डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए इसके डिफरेंट व्यूज देख लेते हैं।